तो भाई हमारा जो टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो हमने मारुति सुजुकी ऑल्टो में फिट कर लिया है, आप जैसे कि देख सकते हैं, और काफी बढ़िया चल रहा है ब्लूटूथ। और मैप सारे चीजें इसमें भी ऑप्शन में है, इसमें रियर कैमरे के लिए भी जगह है, तो वो हम अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। तो स्वागत है आपका क्राफ्टर मॉडल के इस एक और वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम मारुति सुजुकी ऑल्टो में एक थोड़ा सा बड़ा काम करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा काम इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और टाइम टेकिंग काम है। आज की इस वीडियो में हम इसमें लगाने वाले हैं ये जो डैशबोर्ड में स्पीकर लगते हैं वो, क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है कि इसमें अभी तक कोई म्यूजिक प्लेयर लगा नहीं था, इसलिए इसमें वायरिंग सिस्टम भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हम पूरी वायरिंग करेंगे। यहाँ पर जिस आप देख सकते हैं कि ये जो कंसोल है ये इस तरीके से लगा हुआ था, फिलहाल अभी हमने इसको निकाल लिया है, और इसको निकाल कर हम इसमें एक डबल डिन वाला जो एक टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो भी हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। आगे की तरफ दो स्पीकर लगेंगे और पीछे की तरफ दो स्पीकर लगेंगे, और तो इस तरीके से हमारी जो पूरी वायरिंग है वो सिस्टमेटिक हम करेंगे। हमने ये जो आफ्टर मार्केट स्पीकर है डी सोनिक करके स्पीकर हैं, अच्छे हैं, रेट टू रेट मिल जाते हैं तो अच्छे होते हैं। ये स्पीकर सेट हमने लिया है दो का, तो जो कि यहाँ डैशबोर्ड में आगे की तरफ लगेंगे, और पीछे के लिए हमारे पास में एक बड़ा सा वूफर है। तो ये हमारे पास में पॉइनियर का TSWX303 जो साउंड वूफर आता है वो दिया हुआ है। हालांकि ये जो वूफर है वो इस वाले इस टाइप के जो म्यूजिक सिस्टम है उससे बहुत अच्छे से तो आवाज़ नहीं आती है, पर हाँ एक मॉडरेट लेवल की आवाज़ ज़रूर आ जाएगी बिना एम्पलीफायर के। तो हम बिना एम्पलीफायर के इसका कनेक्शन करेंगे, क्योंकि फिलहाल हमने यहाँ पर कोई छेद वगैरह नहीं करवाए हैं इसमें, यहाँ पर हम कोई स्पीकर नहीं लगाएंगे। हालांकि इसमें जगह रहती कि दो ओवल शेप के स्पीकर इसमें बहुत आसानी से फिट हो सकते हैं, पर फिलहाल हमें ओवल स्पीकर लगाना नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर बजाना है और डैशबोर्ड बजाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम वायरिंग करते हैं यहाँ दोनों स्पीकर्स की, और फिर लगाएंगे हम सिस्टम। तो गाइस ये जो स्पीकर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो अलग अलग साइज की पिनें दी हुई हैं। हमारे पास में ये पिन का बॉक्स है जिसमें हमारे पास में अलग अलग शेप और साइज की पिन है, जैसे हम इसमें चेक कर सकते हैं कि जो छोटी पिन है, जैसे ये एक मीडियम साइज की पिन है, तो एक पिन तो इसमें ये वाली आ जाएगी, और जो दूसरी पिन होगी वो थोड़ी सी पतली वाली रहेगी, वो ये वाली आएगी। इस तरीके से जैसे कि आप रेड और ब्लैक वायर देख रहे हैं तो ये प्लस माइनस का है, इसी तरीके से हमें ये जो वायर हम लाए हैं इसको इसमें भी इन्हीं क्लिप को हम लगाएंगे, ताकि जो वायरिंग है वो सिस्टमेटिक हो सके और कहीं भी कोई लूज कनेक्शन होने की संभावना ना हो। तो ये फिलहाल हम जो वायर मार्केट से हमने वायर परचेस किया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये 0.25 mm का वायर है, मतलब जो 1 square mm है उससे उसका क्वार्टर। तो फिलहाल हम इस पिनों को इसमें लगाने वाले हैं इस तरीके से कुछ, और इनके ऊपर हम कवर करने के लिए ये जो इस तरीके की स्लीव होती हैं जो कि इस बॉक्स के साथ में हमें मिली हैं, ये हम लगाएंगे, और इस तरीके से जो जो दो पिनें हैं वो हम इसमें कंप्लीट करेंगे दोनों तरफ। क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि वायर कितने लंबे लगेंगे, इसलिए फिलहाल हम दोनों कोनों के जो दोनों वायर हैं उनमें हम ये सिस्टम अभी करने वाले हैं, जिससे कि जब हम वायर को यहाँ से लेके इस तरफ से जब हम वायर को लेके नीचे यहाँ तक आएंगे तो जितना वायर हमें लगेगा उतना वायर हम यूज़ कर लेंगे और बाकी वायर को हम कट कर देंगे। कुछ इस तरीके से हम ये सिस्टम करने वाले हैं। तो आइए इसको लगा लेते हैं पहले। तो ये हमने वायर को तो पहले से ही छील रखा है, इसको कुछ इस तरीके से मोड़ देंगे, और जैसे इसमें बड़ा वाला पिन हमें लगाना है तो बड़े वाले पिन के लिए ये पिन गलत हो गई, पहले से यूज़ की हुई है, इस पिन को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे, और एक नोज प्लायर की हमें जरूरत पड़ेगी, और इसको हम ऊपर से दबा देंगे। तो
ये कुछ इस तरीके से ये जो पिन है वो लग जाएगी और उसके ऊपर इसको ये जो स्लीव है इसको हम ये चढ़ा देंगे तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक काम हो जाएगा और अब हम इसमें आसानी से इसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। अब आइए ये जो सारी पिने हैं ये बची हुई तीनों पिन लगा लेते हैं। हमने ये पिनों को लगा लिया है। अब यहाँ जहाँ पे सिस्टम लगेगा वहाँ से एक वायर को हमको इस तरफ रखना है ड्राइवर तरफ और जो दूसरा वायर है उसको यहाँ नीचे से लेते हुए यहाँ से ये जो वायर है इनके पीछे से लेते हुए यहाँ अंदर की तरफ आप देख सकते हैं ये जो वायर है इनके पीछे से लेंगे ताकि सिस्टम डिस्टर्ब ना हो और फिर यहाँ से हम ऊपर से निकाल देंगे। इस तरीके से वायर हमें ऊपर से निकालना है और सेम चीज़ हमें इस तरफ भी करनी है। ये वायर हमने इधर से लिया है और अब इसको स्टेयरिंग रॉड के ऊपर से लेते हुए दोनों तरफ से हमने वायर निकाल लिए हैं। अब देख सकते हैं अब जो यहाँ पर अगर हम स्पीकर को लगाते हैं जैसे कि मैं आपको ये स्पीकर लगा के बताता हूँ तो यहाँ पर समस्या ये आ रही है कि ये जो दो पिने हैं ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही हैं। यहाँ पर दो जगह पे हम जो कट पत्ती जिसको कहा जाता है वो लगा के हम इसको कस सकते हैं। तो फिलहाल हम ये करेंगे कि पहले इन दोनों को कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ मोड़ देंगे दोनों को ऐसे पीछे की तरफ और अब इसके बाद में अगर हम इसको लगाते हैं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि ये अभी थोड़ा और दिक्कत दे रहा है। तो गाइस यहाँ पर भी हमें ये जो पिने हैं इनको स्पीकर में लगा देना है और पत्तियों को हमने कड़क मतलब मोड़ दिया पीछे की तरफ और अब इसमें स्पीकर को हमें बस फंसा देना है कुछ इस तरीके से। स्पीकर बहुत बढ़िया तरीके से फिट हो गया। अब यहाँ पर हमें एक एक पत्ती रखनी है और इसको कस देना है तो आइए काम कर लेते हैं। तो गाइस ये पिनों को हमें इस तरीके से लगा देना है। यहाँ पर अब इस तरीके से ये जो स्पीकर है इसको यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से लगा देना है ताकि ये बैठ जाए। लेकिन इसको लगाने से पहले ये कुछ इस तरीके की पत्ती होती है जिनको हम कट पत्ती कहते हैं ये इसको हमें ये जो इसके जो छेद है यहाँ पर ये जो छेद है इसके ऊपर लगा देना है जिस तरीके से ये दोनों तरफ हमें लगाने होंगे तब जाके जो हमारा स्क्रू है वो इस पर कस पाएगा। एक पत्ती हमने यहाँ लगाई है और दूसरी पत्ती वो हमें यहाँ पर लगा। अब स्पीकर को हमें इसके ऊपर एक एक वायसर लगा के कस देना है। वायसर के साथ में ये कुछ तरीके से हमारे पास में स्क्रू दिए हुए हैं और इनको हमें यहाँ कस देना है। पहला वाला तो कुछ तरीके से कस जाएगा दूसरा वाला है उसको भी हम दूसरा वाला जो स्क्रू है उसको भी इस तरीके से हम कस देना। थोड़े छोटे से स्क्रू ड्राइवर की सहायता से ये दोनों चीज़ें कस जाएंगी और ये इस तरीके का एक छोटा सा पेचकस होता है जिसको मैकेनिक भाषा में गुड्डू पेचकस कहा जाता है तो उससे हमें थोड़ा सा इसको कस देना है और कसने के बाद में थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से हिला के भी हमें देखना है ताकि किसी भी तरीके का जो वाइब्रेशन है वो उसको रजिस्टर कर पाए। ये हमने
कस दिया है। अब आइए इसके ऊपर का कवर लगा देते हैं, और इसी तरीके से जो दूसरा वाला स्पीकर है उसको भी लगभग हमने कस दिया है, और स्पीकर को कसने के बाद में इसका जो एक्चुअल कवर है उसको हम वापस से लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा डैशबोर्ड का जो स्पीकर लगाने का जो काम है वो लगभग ख़त्म हो गया है। तो ये भी गाइस कस गया है हमारा स्पीकर। तो गाइस ये भी हमारा हो गया है, और इसमें भी हमें बस इसका कवर लगाना है, और ये स्पीकर भी हमारा लग गया है। अब यहाँ पर जो हमने इसके वायर निकाले हैं, इन वायरों को एक लेवल तक हमें थोड़ा सा टाइट रखना है, और उसके बाद में यहाँ से कट कर देना है, और फिर यही दोनों वायर हमें पीछे की तरफ लेके जाना है, जिससे कि हम जो पीछे वाले स्पीकर हैं उसको बजाने वाले हैं। तो ये जो वायर है वो अगेन यहाँ से नीचे की तरफ से होते हुए पीछे की तरफ जाएगा। तो आइए ये वाला काम भी कर लेते हैं। तो गाइस हमने ये जो वायरिंग है उसको आप देख सकते हैं कि यहाँ अंदर की तरफ से लिया है, और ये जो पूरा ये जहाँ पर जो एसी फिल्टर लगा हुआ है इस एसी फिल्टर के ऊपर से वायरिंग को हमें लेना है, ताकि किसी भी तरीके का जो डिस्टर्बेंस है वो ना आए। इसको भी हमने इसके ऊपर से ले लिया है, और अब इसको वापस फंसा देते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ उतना ही वायर रखना है जितना कि हमें लेयर में यूज होगा, बाकी वायर हमें लगभग इतना वायर हम इसमें रख सकते हैं, ताकि इन केस अगर हमें सिस्टम को बाहर निकालना पड़े तो वायर बाहर तक आ जाए। इस वाले वायर को इस रनिंग बोर्ड के नीचे से लेने के बाद में ये वाला जो रनिंग बोर्ड है इसके नीचे हम उसको ले लेंगे, और फिर ये सीट बेल्ट वाला जो एक कवर होता है उस कवर के अंदर से इसको ले। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद में ये जो वायर है हम आगे से शेर की तरफ ले आए हैं। अब यहाँ पर जो स्पीकर है इसके कनेक्शन करने के लिए हमें दोनों में से किसी एक वायर को हम मतलब किसी एक तरफ के चैनल को हम इसमें जोड़ सकते हैं, या तो लेफ्ट या राइट, वो जो भी हो। फिलहाल हम वापस आगे चलते हैं, और पहले एक कनेक्शन करने के बाद में इसको बजा के देखेंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमें जो लूम दिखाई दे रहा है इसमें चार वायर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसको बराबरी से पकड़ के और यहाँ से काट देते हैं। अब हमें ये समझना है कि इनमें से फ्रंट स्पीकर कौन से और रियर कौन से हैं। तो फ्रंट को समझने के लिए पहला तो ये है फ्रंट, क्योंकि इस तरफ एक ही वायर गया है। अभी जो तीन वायर हैं इनमें से दो जो है रियर वाले हैं और एक फ्रंट वाला है। तो फ्रंट को देखने के लिए हम यहाँ से देखेंगे ये वाला वायर कौन सा है, ये वाला वायर, ये वाला वायर। तो ये जो दो वायर होंगे ये दो वायरों को हम अब टेप कर देंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए और ये फ्रंट वायर है। पॉज कर लीजिएगा साहब। इन दोनों में हम टेप कर देते हैं, ताकि हमें लेफ्ट और राइट का पता चल जाए, फ्रंट और रियर का। और दूसरे इसी तरीके से जो पिछले वाले वायर हैं रियर वाले, क्योंकि अभी फिलहाल हमें जब तक इसमें एम्पलीफायर फिट नहीं हुआ था तब तक हमें इसका एक ही चैनल हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें लेफ्ट राइट का कोई इशू नहीं है, सिर्फ हमको इसको टेप कर देना है। और अब क्योंकि सारे वायर एक साथ ही रहेंगे इसलिए इनको भी हम आपस में टेप कर सकते हैं, ताकि चारों में से कोई सा भी वायर इधर उधर ना हो, कुछ इस तरीके से। तो गाइस ये तो हमारे वायर हो गए पूरे, ये हो गया हमारा पावर सॉकेट, जिसमें जो सिगरेट लाइटर है उसी की जगह पर हमें इसका यूज करना है। तो गाइस हमने जो स्पीकर है टेम्परेरी अभी इनका दोनों को कनेक्शन कर दिया है, और यहाँ पर भी अभी हम ये जो मेन वायर है इसको हम जो सिगरेट लाइटर है इसमें लगाएंगे, और जो सिस्टम है उसके वायर भी इसमें अभी टेम्परेरी जोड़ के देखेंगे इसको चालू करके कि जो साउंड है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि ये जो प्लस वाला रेड वाला वायर है उसमें येलो वायर को जोड़ेंगे, क्योंकि येलो वाला वायर जो है इसमें प्लस का है। इसको कुछ इस तरीके से अंदर डाल के और फिर इसको यहाँ पर ही ये यहाँ पर हमने
इसको फंसा दिया। सेम इसी तरीके से हमें ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमें इसके ग्राउंड पे कुछ इस तरीके से लगा देना। और अब हम इसमें जो लक्स है वो जोड़ देंगे। तो ये फिलहाल हमारा जो सिस्टम है वो टेम्पररी कनेक्ट हो गया है। अब हम इसको एक बार ऑन करके देखेंगे और उसके बाद इसके वायरिंग को जोड़ेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसका जो वायरिंग डायग्राम है उसके हिसाब से जो स्पीकर के वायर हैं वो यहाँ पीछे की तरफ दिए हुए हैं। ये 8 वायर जो हैं, तो इन 8 वायरों में हमको ये जो 4 साइड के जो स्पीकर हैं उनको हमें जोड़ना है। हमने एक तरफ के चैनल से इसके कनेक्शन भी कर दिए हैं और जो दूसरा चैनल है उसको हमने भी फ्री रखा हुआ है। अब आइए आगे से म्यूजिक ऑन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा बजता है। टेम्प्रेरी कनेक्शन हमने पीछे के जोड़ दिए हैं बैटरी के, प्लस जो स्पीकर हैं। अब हम इसको एक बार टेम्प्रेरी ऑन करते हैं चाबी को और फिर देखते हैं कि ये बंद है क्या, ये हुआ है कि नहीं चालू। थोड़ी देर लगती है इसको ऑन होने में, बाकी हमारा ऑन हो गया है। तो गाइस मैं आपको जब तक इसकी कीमत बता देता हूँ कि इसकी जो कीमत यहाँ लोकल मार्केट में लगभग 4,300 रुपये के आसपास है, और अगर आप इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा और कूपन लगाने के बाद में और कम में मिल जाए। हमारे आने वाले वीडियोस में हम इसमें जो मारुति ऑल्टो में रियर कैमरा और जो डैश जो अंडर डैशबोर्ड लाइट होती है ये सारी चीज़ें भी आपको क्लिक करके लगाना बताएंगे। फिलहाल अभी हम जो है इसको चेक करने वाले हैं। तो भाई साहब देख सकते हैं कि कॉल रिसीव करने का कंसोल भी इसका काफ़ी बढ़िया है। हाँ बिल्कुल वही करेगा ना, पूरा फुल कॉल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पर दबाएंगे तो फ़ोन जो है गाड़ी से शुरू हो जाएगा, हम पूरा गाड़ी में बात कर सकते हैं और यहाँ से हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये माइक ऑफ और यहाँ से फ़ोन कट कर सकते हैं। अब आइए इसका जो म्यूज़िक है एक बार फिर से शुरू करते हैं। और यहाँ से अगर हम जाएंगे सेटिंग में, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि पीछे की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो मैं सबसे पहले तो ऑडियो पे चले जाता हूँ। फील्ड गलत लगता है, अब यहाँ पर जो है अब हम इसको रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच, और अब हम यहाँ से वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अब हम साउंड को चेक करेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है। एक बार पीछे चलते हैं कि स्पीकर में थोड़ा सा ये जो है इस वाले स्पीकर में कुछ ज़्यादा फर्क आ नहीं रहा है क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो इतना अच्छा है नहीं है। बाकी जो है कुछ नहीं से तो थोड़ा अच्छा होता है। तो अभी फिलहाल हमने इसका कनेक्शन कर दिया है। शायद हमें गेट बंद करने के बाद में थोड़ा सा और साउंड आएगा। गाइस यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं हम कि जो एक बेस अच्छा क्वालिटी वाला बेस जो होता है वो आना शुरू हो गया है। और अगर हम इस चीज को थोड़ा सा इक्वलाइजर को करें हम थोड़ा सा एडजस्ट, तो ये साउंड जो है बहुत ही अच्छा हो सकता है। जैसे ये ऑडियो, ये फील्ड को अगर मैं देखूं रियर वाला थोड़ा सा ज्यादा कर दूं तो ये बहुत बढ़िया होगा। और थोड़ा सा हम इसको फिल्टर करेंगे इसमें जो इक्वलाइजर वगैरह उन सब की सेटिंग के बाद में। मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बढ़िया साउंड दे सकता है बिना एम्पलीफायर के। और गाने, ऑफ कोर्स गाना जो है वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है। जैसे अगर मैं इसमें कोई बढ़िया सा तड़क भड़क वाला गाना लगा दूँ, अब यहाँ पर हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ म्यूज़िक जो है मिल जाएंगे। ठीक है ये शुरू करते हैं। Thank you.
मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो साउंड की क्वालिटी है वो पहले से ज्यादा अच्छी है। ये कई बार गाने के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो अभी एक बार मैं पीछे जाके एक बार और देख लेते हैं कि साउंड कैसा दिख रहा है। आई मीन साउंड की जो क्वालिटी है, वो जो स्पीकर है उसमें मूवमेंट शुरू हुआ है या नहीं। थोड़ा थोड़ा सा इसमें मूवमेंट आ रहा है, इसी कारण से इसका जो बेस है वो बन रहा है। तो गाइस ये तो था एक छोटा सा वीडियो जिसमें आज हमने आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मारुति सुजुकी ऑल्टो में लगाना बताया। बेसिकली अभी हमने आपको पूरा सिस्टम नहीं बताया, जिस तरीके से हमने इसको खोला उस तरीके से इसको हम वापस पैक करेंगे और इसको फिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसको फिक्स करना वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बैटरी जो है थोड़ी धीमे धीमे ख़त्म हो रही है। तो और हमारे आने वाले वीडियोस में, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा, उसके बाद में जो अंडर डैश जो लाइट होती है वो सब लगाना भी हम बताएंगे। सो लगाने में थोड़ी सी आपको समस्या ये हो सकती है कि अगर आपके पास में इसका प्रॉपर फ्रेम नहीं है तो आपको पीछे की तरफ इसमें एक जाली एक पत्ती लगी होती है, उससे आपको इसको बोल्ड करना पड़ेगा ताकि ये जो इसकी सेटिंग है वो कभी चेंज ना हो और ये बम्पी रोड्स में ये बाहर ना निकल आए। क्योंकि जो ट्रेडिशनल जो सिंगल डिन म्यूजिक सिस्टम होते हैं उनके लिए तो ट्रे आती है, लेकिन डबल डिन के लिए ऑल्टो में फिलहाल कोई ट्रे अवेलेबल नहीं है, तो ये आपको अपने से खुद से करना पड़ेगा। और बाकी जो सिस्टम है अब वो हम वापस से पैक कर देते हैं। अब चूँकि बैटरी थोड़ी सी कम है इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। हम अपने आने वाले वीडियोस में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें रियर जो कैमरा है उसके ऊपर हम बात करेंगे, और जो इसमें एक जो एम्पलीफायर है वूफर के लिए वो भी हम लगाएंगे। फिलहाल हम जो वूफर है वो उसको इसी से बजा रहे हैं, इसके एक चैनल से, तो थोड़ा एक जो एक क्लीन साउंड आना चाहिए वो हमें बढ़िया एक मॉडरेट लेवल का जो साउंड है वो हमें मिल रहा है। और लेकिन वूफर के लिए आपको, एम्पलीफायर के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोस।